हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज सिक्स में हमारा क्वेश्चन है 24। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल वन, वन माइनस एक्स, एक्स लेस देन वन, एक्स इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है ये चेक करना है। आपको लिखनी है नहीं है ये चीज दी है। देखिए इसको प्रूव करते हैं। आर एफ डैश वन लिमिट एस टेंस टू जीरो, आर एफ डैश यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किस पर आएगी, इस पर आएगी भाई। तो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन माइनस एफ वन, वन यहाँ पर रखूंगा तो वन माइनस वन जीरो अपॉन एच एफ वन। देखिए यहाँ से अगर मैं फलन का मान निकालता हूँ तो देखिए फलन का मान लेस देन इक्वल या ग्रेटर इक्वल पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे एफ वन रखूंगा तो ये आ जाएगा वन की स्क्वायर माइनस वन, तो एफ वन बराबर क्या आ जाएगा जीरो। एफ वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो। इसके राइट लिमिट किस पर निकलेगी, किसी पर निकलेगी, लेफ्ट लिमिट किस पर निकलेगी, तो ये आ जाएगा देखिए लिमिट एस टेंस टू जीरो क्योंकि नीचे अपॉन में एच है, अपॉन में एच है तो इसको खोलना पड़ेगा मैंने, वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच, माइनस वन से प्लस वन कट गया है। अब ऊपर से एच कॉमन लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन लिया तो टू प्लस एच अपॉन एच, एच से एच कट गया। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा आर एफ डैश वन बराबर कितना आ जाएगा दो, अब इसकी देखिए लेफ्ट लिमिट निकालेंगे लेफ्ट लिमिट देखिए इसकी एल एफ डैश वन बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, ये किस पर निकलेगा लेस देन, इस पर निकलता है निकलेगा तो वन माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो वन माइनस वन प्लस एच अपॉन माइनस एच, ये इससे कट गया लिमिट एफ टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, इसका मतलब माइनस वन। तो एल एफ डैस वन कितना आ गया माइनस वन, यानी कि आर एफ डैस वन नॉट इक्वल टू एल एफ डैस वन, एक्स इक्वल टू वन पर फलन अवकलनीय नहीं, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हो गया भाई, x इक्वल टू वन पर ही यही सिद्ध करना था, x इक्वल टू वन पर अवकलनीय नहीं। ट्वेंटी फाइव का देखिए ट्वेंटी फाइव का एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल जीरो, एक्स एक्स ग्रेटर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर अवकलनीयता की जांच कर दी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की
चेक करेंगे ये है कि नहीं है, जीरो पर करेंगे तो देखिए आर एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच इस पर आएगा यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो इस पर निकल जाएगा जीरो अपॉन एच, ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एच अपॉन एच बराबर क्या आ जाएगा वन, एच अपॉन एच क्या आ जाएगा वन। अब इसके क्या निकालेंगे एल एफ डैश जीरो, एल एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच किस पर निकलेगा इस पर निकलेगा तो माइनस जीरो माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो यह आ जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस का एच अपॉन माइनस एच बराबर माइनस वन। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वन आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव वन आ रहा है, इसका मतलब आर एफ डैश जीरो नॉट इक्वल्स टू एल एफ डैश जीरो, यानी कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है, यानी गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 एफ एक्स बराबर एक्स लॉग कॉस एक्स, अपॉन लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो एक्स बराबर जीरो एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है। देखिए x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है कि नहीं है ये पता करेंगे, तो देखिए आर एफ डैश जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच नॉट इक्वल टू तो लेफ्ट और राइट दोनों इसी पर आएगी तो ये आ जाएगा एच log cos h upon log 1 plus h square, क्योंकि 0 plus x की जगह 0 plus h रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 को महत्व नहीं है तो h log cos h आ जाएगा यहाँ पे log 1 plus h square और minus f0, f0 का मतलब f0 बराबर 0 minus 0, f0 की वैल्यू क्या है minus 0 और अपॉन पे क्या है एच, यह आ जाएगा इंटू एच लिमिट एच टेंस टू जीरो आएगा एच लॉग कॉस एच अपॉन एच इंटू लॉग वन प्लस एच स्क्वायर एच से एच कट गया।
अब देखिए यहाँ पे मैं x tends to अगर 0 रखता हूँ, तो देखिए x tends to 0 रखूंगा तो ये 0 cos 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, ये हो गया log 1, log 1 का मान 0, ऊपर क्या हो गया 0। देखिए यहाँ से x tends to 0 रखूंगा 0, यहाँ से log 1, log 1 का मान 0, ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, 0 upon 0 रूप बन गया भाई। अगर नीचे यहाँ से कुछ वैल्यू आती तो इसका रिजल्ट 0 आ जाता, लेकिन ये क्या बन गया 0 upon 0, इसका मतलब ये फॉर्मेट आगे चलेगा, क्या चलेगा आगे, अब इसमें लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऊपर से या नीचे से कोई वैल्यू आ जाती तब तो सही था, लेकिन ये 0 upon 0 बन गया। अगर मान लीजिए नीचे 0 की जगह 1 आ जाता तो इसका रिजल्ट हम 0 लिख सकते थे, लेकिन ये नीचे भी 0 ऊपर भी 0, इसका मतलब रिजल्ट आया नहीं है बीच का। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस रूल को बोलते हैं DHL हॉस्पिटल रूल, जो आपका बढ़ावा नहीं है भाई, ये 11th क्लास में चलता है, 11th क्लास में तुम्हारे है नहीं है। अगर 0.0 बढ़ गया तब क्या करेंगे, देखिए लिमिट एज टेंड्स टू 0 log, अब देखिए cos x, cos x का फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए हमने 11th क्लास में सीखा होगा cos x का, तो cos x का लिखेंगे तो ये आ जाएगा cos x बराबर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू डॉट डॉट, ये होता है cos x बराबर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। ये 11th क्लास में हमारे पास फॉर्मूला था cos x बराबर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में cos h है, तो ये क्या हो जाएगा cos h बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट, ठीक है भाई। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ cos log को ये आ गया, cos x h को लिखूंगा मैं 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू डॉट डॉट अपॉन, नीचे लॉग 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या है, लॉग 1 प्लस x का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस x बराबर होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस अप टू डॉट डॉट, ये होता है log 1 plus x का फॉर्मूला। log 1 plus x का फॉर्मूला क्या होता है, x minus x square upon 2 plus x cube upon 3, तो याद रहेगा log 1 plus का 1 minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus up to dot, अब मेरे को चाहिए log 1 plus h square का, x की जगह हमारे पास क्या है h square, log 1 plus h square का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 minus h square upon 2 h की 4 आएगा भाई, h square ना, ये है h x की जगह है, तो ये h की 4 upon 2 plus h की, चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 h स्क्वायर की क्यू माइनस अप टू, ये हो जाएगा, ठीक है भाई।
देखिए भाई यहाँ पे वन नहीं आएगा, ये एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। लॉग वन प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस अप टू ये। तो देखिए यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एच, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स की जगह, तो एच की फोर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू एच की फोर, और ये आ जाएगा प्लस डॉट डॉट। ठीक है भाई, अब देखिए आगे इसको करते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए लॉग वन माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू माइनस एच की फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, ये हो जाएगा अप टू डॉट डॉट अपॉन एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एच की फोर डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए ये बढ़ गया लॉग वन माइनस एक्स, लॉग वन माइनस एक्स ये पूरा इसका एक्स है, वन माइनस एक्स, तो लॉग वन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री अप टू, ये हो जाएगा लॉग वन माइनस एक्स का, लॉग वन माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री अप टू, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे लॉग वन माइनस एक्स के फॉर्मूले से, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो लॉग वन माइनस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स क्या इसका एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एच फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एच की फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर के होल स्क्वायर माइनस अप टू डॉट डॉट डिवाइड बाय, ये बढ़ गया लॉग वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स इसका एक्स पूरा ये, तो लॉग वन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स ये माइनस आ गया, एक्स एक्स इसका ये था माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर, एक्स ये था इसके होल स्क्वायर माइनस अप टू डॉट डॉट, आगे चलाएंगे इसको। यहां से आ जाएगा देखिए एच स्क्वायर माइनस वन बाय टू एच की फोर प्लस अप टू डॉट डॉट, ये आ गए। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से आ जाएगा देखिए माइनस एच स्क्वायर, यहां से कॉमन है माइनस का एच स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, है ना, ये चीज आएगी इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैप्चर हो रहा है कि नहीं, देखिए यहां से इसको, चलो इसमें एच स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस वन बाई टू, यहां से एच अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल फोर, और इसकी ऑल स्क्वायर, देखिए यहां से मैंने एच स्क्वायर को बाहर निकाल लिया यहां से, तो ये हो जाएगा एच क्यूब यहाँ से एच आ जाएगा, और ये आ जाएगा डॉट डॉट आगे माइनस, यहाँ से देखिए मैं एच स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है भाई,
देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए इसमें लिमिट लगाए हम, मैं लिमिट रखूंगा तो देखिए यहाँ से वन अपॉन फैक्टोरियल टू आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए लिमिट लगाने पर ये आ जाएगा आर एफ एस जीरो बराबर आ जाएगा माइनस का वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और माइनस का वन अपॉन फैक्टोरियल टू का मतलब माइनस का वन अपॉन टू, फैक्टोरियल टू का मान क्या हो जाएगा दो इंटू वन, टू इंटू वन, तो वन अपॉन टू। अब देखिए इसी प्रकार हम एल एफ डैश निकालेंगे, इसकी क्या निकालेंगे एल एफ डैश, तो एल एफ डैश निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एल एफ डैश जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहां से आ जाएगा माइनस का एच लॉग कॉस माइनस एच लॉग वन प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जीरो और अपॉन में क्या आएगा इसके माइनस का एच, ये माइनस का एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस कट के क्या हो जाएगा, ये माइनस एच कट जाएगा, तो लॉग कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन लॉग वन प्लस एच स्क्वायर, लॉग कॉस एच अपॉन लॉग वन प्लस एच स्क्वायर जो अभी हमने सॉल्व किया था वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, पहले कॉस एच की वैल्यू रखेंगे फिर कॉस लॉग वन प्लस एच लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तब यही फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए वो पीछे वाली कंडीशन आ गई, यहाँ से आगे आप यही फॉर्मूला ये चीज निकाल सकते हो, तो एल एफ डैश भी कितनी आ जाएगी माइनस की वन बाई टू, तो देखिए यहां से आगे मैंने जो आपको फॉर्मूला लिख के दिया है कॉस एक्स का और लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का उसके आगे सेम टू सेम यही करना आपको, तो एल एफ डैश और आर एल एफ डैश भी आपकी क्या आ जाएगी जीरो बराबर माइनस वन बाई टू, तो आर एफ डैश जीरो बराबर क्या हो जाएगा एल एफ डैश जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन कैसा है अवकलनीय है, कैसा है अवकलनीय है। देखिए भाई मैंने जो आर एफ डैश निकाला पीछे ये चीज आई हमारे पास में, तो उससे आगे सेम टू सेम वैसे करना है इसका, यही आंसर आएगा इसका। तो देखिए एक्स इक्वल टू जीरो फलन कैसा है डिफरेंशिएबिलिटी है, तो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, आगे देखिए 27 का है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू टू एक्स माइनस थ्री, एक से तीन में अवकलनता की जांच कीजिए, अवकलनता की जांच
एक स्थिति में अवकल्यता की जांच करनी है आपको। तो देखिए पहले इसको मैग्नीट्यूड हटाएंगे इसका, तो एफ एक्स बराबर क्या देगा? तो देखिए ये पहला इसका ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं यहां से, x माइनस टू बराबर क्या रखेंगे? जीरो, तो x बराबर दो। x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर थ्री, यानी इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ गए? टू आ गया और एक क्या आ गया? थ्री। एक तो आ गया टू और एक आ गया थ्री, तो यहां से आ जाएगा दो लेस देन इक्वल x लेस देन थ्री, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल थ्री, यहां से आ जाएगा x less than 2, दो से पीछे लेफ्ट लेस देन आ जाएगा, यहां से यहां तक यानी इस ब्रेकिंग पॉइंट से आगे जो ही जाएगा तो 2 less than equal x आ जाएगा और यहां खत्म होगा तो less than 3। अब इस ब्रेकिंग पॉइंट से आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल 3। अब देखिए मैं पहले निकालता हूं, ये आ गया मेरे पास में x less than 2, 2 less than equal x less than 3, ये आ जाएगा x greater equal 3। अब मैं पहले निकालता हूं x less than 2, x less than 2 के लिए देखिए x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी लेनी है, इस 2 से छोटी लेंगे तो 1 ले सकते हैं। देखिए यहां पे fx क्या दे रखा है? x minus 2 plus 2 x minus 3, x less than 2 यानी x की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं 1 लूंगा तो ये आ जाएगा 1 minus 2 plus 2 1 minus 3, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा? minus 1 plus 2 minus 2, इसका मतलब ये भी negative, इसका मतलब इसके बाहर minus का चिन्ह होगा, इसके बाहर भी क्या होगा? minus का चिन्ह होगा। देखिए यहां से f x बराबर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे माइनस का चिन्ह है, माइनस x माइनस 2, ये भी नेगेटिव, माइनस का 2, इसका मतलब इसके पीछे भी किसका चिन्ह है? माइनस का 2 x माइनस 3, तो यहां से माइनस x प्लस 2, माइनस 2 x प्लस 6, माइनस का 3x प्लस 6 दो 8, यानी 8 माइनस 3x, ये आ जाएगा 8 माइनस 3x if x less than 2। अब देखिए 2 से 3 में, 2 से 3 में देखिए, 2 से 3 के बाद दे देता हूं मैं 2.5 दे दूं यहां पर, 2 से 3 में एक पॉइंट लेंगे x का, इंटरवल क्या है 2 से 3 के मध्य, 2 से 3 के मध्य कोई भी एक x की वैल्यू ले लो, मैं ले लिया 2.5 ले लिया, 2.5 लूंगा तो देखिए 2.5 minus 2 plus 2 2.5 minus 3, यानी कि यहां से तो 0.5 पॉजिटिव आ गया, यहां से क्या आएगा 2, यह आ जाएगा माइनस का, यहां पर किसका चिन्ह आएगा? 2.5 minus 3, तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? माइनस। तो देखिए ये करेंगे हम इसको, ये तो क्या होगा, इसके पीछे तो किसका चिन्ह, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे पॉजिटिव चिन्ह है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे माइनस का चिन्ह है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 6, तो देखिए 2x, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 4, यानी कि 4 माइनस x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस x आ जाएगा। अब देखिए x ग्रेटर इक्वल 3, यानी 3 से बड़ी संख्या लेनी है आपको, x ग्रेटर इक्वल 3, 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या मैं 4 ले लूं, तो देखिए मैं यहां 4 रखूंगा, 4 में से 2 गया 2 पॉजिटिव हो गया, 4 में से 3 गया 1 ये भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब सारे के सारे ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, x minus 2 plus 2x minus 6 2 और 1 3x minus 8, यानी कि 3x minus 8 आ गया, ये इसका ये तो आ गया आपका क्वेश्चन। अब इसने कहा कि 1 से 3 में, 1 से 3 में अवकल्यता की जांच करनी है, तो 1 से 3 में देखिए
एक से तीन में लानी है, तो एक के लिए है नहीं, दो के लिए हमारे पास में तो तीन तो हमें चाहिए नहीं। तो देखिए एक से तीन में तो एक्स बराबर टू बिलोंग्स टू करेगा वन से थ्री में। वन से थ्री में क्या करेगा, टू बिलोंग कर जाएगा। एक से तीन में देखिए हमारे पास में टू बिलोंग करेगा। एक से तीन में देखिए दो की लेफ्ट है और ये राइट है, तीन हमें चाहिए नहीं क्योंकि एक से तीन में अवकलनता की जांच करने में, तो एक से तीन में दो बिलोंग करेगा, टू बिलोंग्स टू वन से थ्री। तो एक्स इक्वल टू टू पर अवकलनता की जांच कर देते हैं, तो आर एफ डैश टू लिमिट एस डैश टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच। तो देखिए टू प्लस एच, टू प्लस एच यानी कि फलन का मान भी इसी पर आएगा और फलन की राइट सीमा भी इसी पर आएगी क्योंकि टू लेस देन इक्वल है। देखिए दो यहाँ लेस देन है कि लेस देन इक्वल है, तो हम फलन का मान किस पर निकालते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन किस पर निकलेगी, लेस देन इक्वल या ग्रेटर इक्वल पर निकलती है। दो के लिए देखिए ये तीन के लिए ग्रेटर इक्वल, ध्यान रखना भाई ये दो के लिए है ये तीन के लिए। तो दो के लिए निकालूंगा तो यहाँ से एफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ टू बराबर कितना आ जाएगा फोर माइनस टू, क्योंकि ये काम आएगी लेस देन इक्वल। तो फोर माइनस टू कितना आ जाएगा, एफ टू कितना आ जाएगा टू, एफ टू प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच चार माइनस टू प्लस एच माइनस एफ टू, एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई टू अपॉन एच। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर माइनस टू माइनस एच माइनस टू अपॉन एच, चार से चार कट जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस का वन, क्या आ जाएगा माइनस का एच अपॉन एच बच गया तो माइनस का क्या आ गया वन, यानी आर एफ डैश टू कितनी आ गई माइनस की वन आ गई। अब देखिए भाई इसकी एल एफ डैश निकाल देते हैं, एल एफ डैश टू बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, एफ टू माइनस लेस देन यानी टू माइनस एच यानी एच छोटा होगा दो से, तो ये आ जाएगी हमारे पास में एट माइनस थ्री, x की जगह हम रखेंगे 2 माइनस एच माइनस एफ टू का मान 2 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो एट माइनस सिक्स प्लस थ्री एच माइनस टू अपॉन माइनस एच, छ दो आठ कट गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो तो यह आ जाएगा थ्री एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कट गया किसका आ गया माइनस का थ्री। इसका मतलब एल एफ डैश नॉट इक्वल टू आर एफ डैश। तो यह आ जाएगा आर एफ डैश टू नॉट इक्वल टू एल एफ डैश टू, एक्स इक्वल टू टू पर फलन अवकलनीय नहीं है, यानी है तो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू टू, ये माइनस वन है ये माइनस थ्री है, इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ये नहीं है। तो एक्स इक्वल्स टू टू पर ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।